होती आगे विस्मृति और स्मृति। तो जितनी जो स्मृति में दान करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाएगा। बाकी बच्चों के तो आई है, बच्चों को पढ़ाने फिर पढ़ाते ही रहते हैं, वो तो दिल में समझते हैं ना बच्चे, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर, बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे वो श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। इसलिए कभी भी कोई के बिगड़ने की भी बात नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं है। बाप को याद करते रहो बड़े प्यार से, बेहद प्यार से। बाबा से नहीं कहते मुझे बेहद प्यार से याद करो, न कहते हैं बेहद बाप को बेहद प्यार से, क्यों इतनी बात छी देते हैं। आज 18 जनवरी स्मृति दिवस, जिसको बाप दादा ने प्रैक्टिकल में समर्थ दिवस कहा है, वो चल रहा है। हर एक 18 जनवरी के अमृत वेले विशेष ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, और ब्रह्मा बाबा से रूह रिहान भी करते हैं, और ब्रह्मा बाबा विशेष अमृत वेले से लेके हर एक बच्चे को उस प्रेम का रेस्पान भी देता है जो सभी प्रेम के सागर में समा जाते हैं। 18 जनवरी सचमुच हम अगर देखें तो बाबा ने जो समर्थ दिवस कहा है, तो सचमुच बाबा अव्यक्त हुए और सामने हमारी दादी थी, तो दादी को निमित्त रख करके बाबा ने सचमुच बच्चों को जैसे दृष्टि द्वारा विल पावर की विल दे दी। अब विल में क्या दिया, ये सर्वशक्तियां दे दी, जो बच्चों को आगे करके, और बाबा खुद गुप्त हो गए, अव्यक्त हो गए, अव्यक्त रूप में साकार दादियों को या सर्व बच्चों को, जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, उन सब को आगे प्रत्यक्ष करके समर्थ बना करके समर्थि दिवस जो है वो मनाए। कभी ये भी बच्चों ने बात को समझाया, मीठे मीठे बच्चों, बड़ा भारी तीर्थ है ये अबू, बहुत भारी तीर्थ है। तो बाप खुद कहते हैं मैं यहाँ कर करके शरीर द्वारा सारी सृष्टि, मनुष्य तो क्या करिए, 5 तत्व इन सबको पवित्र बनाता हूँ। लोगों की कितनी सेवा होती है और जानते हो तुमको बराबर, बाबा एक ही बाम है तो आकर के सर्व की सदगति करते हैं। देखो एक दफा कहते हैं क्या नहीं, इन मेमोरियल टाइम्स तो समझना चाहिए ना बच्चों को, फिर ये भी जानते हैं कि इन मेमोरियल टाइम्स कैसे भूल जाते हैं। इन मेमोरियल टाइम्स यानी अनादि, बाप ये समझाते आते हैं हर साल, फिर भी भूल जाते हैं। तभी बाप कहते हैं माया बड़ी 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 जबरदस्त है ना, वो आधा कल्प उनका राज है, एक हमारा आधा कल्प राज है, उन्हें भी ताकत है नहीं। तो देखो ये ताकत बाप समझाते बच्चे हाफ एंड हाफ, तो हराते हैं बाबा, फिर खड़ा करते हैं, फिर हराते हैं। बहुत दफा ऐसा लिखने में चिंता भी आती है, पढ़ाई चाहिए, योग और पढ़ाई, योग और पढ़ाई, तो पढ़ाई तो योग तो है ही है उसमें, जब कोई किसके साथ बैठेंगे तो उनके साथ मुझे का योग जरूर जाएंगे, फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चे, अभी तो बच्चे जानते हो महात्मा को बाप पढ़ा रहे हैं। अच्छा सब में अपने अपने गुण भी होते हैं, नहीं उगाए जाते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान लगे, भगवान कहते हैं नहीं, मेरी गिलानी बहुत कहते मैं आके मित्र बनता हूं, तो गाय भी जाते हैं नहीं, निंदा हमारी जो करे, अब बाबर के समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, मेरा तो कसम बच्चे आया तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ,
तो निंदा किसी की न करना अच्छी होती है। पछाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी लेनी चाहिए। छा नीचे मीठे में किसी के लिए रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल ज्ञान सिकलते इनसे याद तारा गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोग कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी ले।